हाय गाइस, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। आज वाली वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाली है और मैं आप लोग को जितने भी नए रियलमी के IoT डिवाइसेस आए हैं वो एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे उनको यूज किया है और पूरा आप लोग को अच्छा खासा रिव्यू देने वाला हूँ। तो ये आपकी जो वीडियो है वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोग के लिए। जनरली आप लोग जो मुझे सिर्फ रिव्यू करते हुए देखते हो, मैंने जो है थोड़ा सा नई चीज करने की कोशिश की है आप लोग के रिक्वेस्ट पे, और मेरे को बताना कि ये सेम वीडियो मुझे और भी किसी ब्रांड के लिए बनानी चाहिए या फिर नहीं। मतलब मैं जिसमें ये है कि 24 आवर्स चैलेंज लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे IoT प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं। मेरे पास यहाँ पर नेक बैंड है, TV रखा हुआ है, साउंड बार है, इनफैक्ट यहाँ पर रियलमी का फिटनेस बैंड है और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं जो हूँ आज अपने लाइफस्टाइल में सब कुछ फिट करने वाला हूँ, जबरदस्ती फिट करेंगे और आप लोग को मैं बिल्कुल रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल देते हुए, टेस्ट करते हुए, थोड़ा थोड़ा आप मुझे रो भी देखोगे। लाइक जनरली आप मुझे प्रोफेशनली देखते हो एक कैमरा एंगल के आगे, बट आज व्लॉगिंग स्टाइल में कोशिश करते हैं कुछ बनाने की। तो सबसे पहली चीज मेरे पास यहाँ पर आ जाती है बैंड। तो मैं जो हूँ अपनी एप्पल वॉच हटा लेता हूँ और जल्दी से रियलमी बैंड पहन लेता हूँ, और साथ के साथ यहाँ पर जो है टूथब्रश भी है रियलमी की, तो मैं उसको यूज़ करना शुरू करूँगा अभी। तो जल्दी से मैं जाता हूँ और सबसे पहले उसी को टेस्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश कैसी होती है। तो गाइस, मैंने सब कुछ अनबॉक्स कर लिया है, ये मैं सब कुछ हटा चुका हूँ। यहाँ पर एक ये अलग पार्ट आया है और ये पूरा एक इसकी सोनिक मोटर इसके अंदर होगी और इसको जस्ट ऐसे लगाना है। और मैंने सेंसिटिव वाला पिक किया है कि जिसमें सेंसिटिव ब्रिस्टल्स होते हैं, तो मैं जो हूँ इसको पूरा तैयार कर लेता हूँ। तो इसको मैं जल्दी से ब्रश करके टेस्ट करके आया। मैं आप लोग को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने पहली बार कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करा है जो कि मतलब मेरे लाइफस्टाइल में मैंने ज़बरदस्ती घुसाया हो, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ भाई, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैंने सच में यूज़ नहीं करी थी पहले, और जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है वो सच में बहुत ही अलग फीलिंग दे रहे थे जब मैं ब्रश कर रहा था। बाकी हाँ यार, ऑब्वियसली डीप क्लीनिंग तो होती होंगी और अच्छा है कि मुझे डबल डबल यहाँ पर हमें वो देखने को मिल जाते हैं, हार्ड वाले ब्रिस्टल्स भी है, सॉफ्ट वाले भी है। और मैंने अभी पढ़ा है कि इसकी है ना 3 महीने का बैटरी बैकअप है। मतलब 3 महीने बहुत ही ज़्यादा होता है गाइस, अगर आप लोग को बार बार चार्ज करना इस ब्रश को पड़ता तो वो थोड़ा सा मतलब हेडेक हो जाता, बट 3 महीने काफी कूल है, मुझे बहुत सही लगा है। तो गाइस टाइम हो चुका है 1:35 और जो है मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ रियलमी 55 इंच वाले TV को, और मैंने यहाँ पे कंट्रोलर ऐड कर दिया है। सही तरीका नहीं है इतना पास गेमिंग करने का, बट ऑब्वियसली यार टेस्ट करना है तो ये सब कुछ चलता है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ टेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ इसको, और मैं इतना बता सकता हूँ कि जो इसके सारे के सारे लेवल्स वगैरह है ना बहुत ही सही है। लाइक मैं देख सकता हूँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ रही है, तो ये बहुत ही मैटर करता है और ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। बाकी मैं आप लोग को देखने के चक्कर में मैंने क्रैश कर दिया इसको, बट हाँ मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि आंखों में कम चुभती है। जो इन्होंने SLED टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, उसके साथ UV फिल्टर्स वगैरह जो करे हैं, उनसे भाई मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा, और ओवरऑल मुझे मज़ा आ रहा है, नो डाउट। तो गाइस TV को थोड़ा सा और टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत व्लॉग्स देखे थे फ्लाइंग बीस्ट के, मैं देख रहा था और मैंने जो है फिर सोचा कि देखते देखते मेरे को क्वालिटी तो पसंद आ ही रही है, बट यहाँ पर मैं इनको भी टेस्ट करना चाहता था। ये Realme Buds Air Pro है और इनके अंदर भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ कनेक्ट कर लूँ। और साथ के साथ मेरा टीम मेंबर यहाँ पर जो है वैक्यूम क्लीनर चलाएगा और मैं देखूंगा कि कितनी वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ें कट कर पा रहा है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। और क्योंकि इस TV के अंदर भी ब्लूटूथ है तो उनके साथ एक कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैं तभी टेस्ट करता हूँ फिर मैं आप लोग को बताता हूँ। ब्लॉग तो अभी चल रहा है। खैर अगर मैं बात करूँ इन Realme Buds Air Pro के बारे में, तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन गाइस बिल्कुल काम करती है। मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर चलवाया था जिससे इनको टेस्ट कर सकूँ मैं, भाई मेरे को बिल्कुल ठीक लगा है। तो मैं सोचा इससे आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा कि हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो भाई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करूँ तो अच्छा काम कर रही है, काफ़ी हद तक इसने वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ काट दी थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपके घर में भी थोड़ा बहुत शोर वगैरह रहता है, ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो आप लोग जो इनको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये बाहर आउटडोर कंडीशन में बहुत अच्छा काम करेंगे और शायद एयरप्लेन के टाइम पे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, लाइक उनके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। तो मैं व्लॉग को एंजॉय करता हूँ। तो गाइज ये है रियलमी स्मार्ट कैम 360, इसको भी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, यहाँ पे USB लगा दी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटअप मैंने कर लिया है। मैं आप लोग को ऐप में भी दिखाता हूँ, अब यहाँ पर जो है हमारा पूरा कैमरा एंगल बना हुआ है और सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, तो बिल्कुल मस्त चीज़ है। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में मैं इसको बिल्कुल कर सकता हूँ, तो ये मुझे बहुत ही सही चीज़ लगी है। अभी मैं इसको सेटअप करके छोड़ देता हूँ, फिर फ्यूचर में यूज़ में लेंगे। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने जो है ना Realme के Buds Wireless Pro को अनबॉक्स कर लिया है,
और ये जो है ना ऐसा नेक बैंड है और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है अगर आप लोग रनिंग वगैरह करना चाहोगे और तो उसके लिए ढूंढ रहे हो। और यहाँ पे पता है मस्त बात क्या है, इसके अंदर हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है। तो भाई ये भी मेरे को टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो है मेरे कुछ टीम मेंबर और मैं एक फ़ोन प्री बुक कराने जा रहे हैं और उसके उधर जाते समय के थोड़ी बहुत आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों यहाँ पर स्टेयर से जा रहा हूँ अभी, तो हुआ यूँ कि हमारी इस बिल्डिंग की अभी लिफ्ट जो है मेंटेनेंस के लिए थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। तो मैं सोचा इसी बहाने इस रियलमी बैंड का जो है हर्ट रेट भी चेक कर लेंगे, स्टेप्स वगैरह भी चेक कर लेंगे। तो हम लोग मीनवाइल ऐसे चल रहे हैं। तो अभी तक जो है 894 स्टेप्स हो चुके हैं और साथ के साथ जो मैं हर्ट रेट भी देख लेते हैं क्या चल रहा है मेरा, तो ये मेजर करना शुरू कर रहा है। तो अभी जो है मेरा 100 BPM चल रहा है, तो ये बिल्कुल सही हर्ट बीट आई थिंक दिखा रहा है। और क्योंकि हम लोग जो है बहुत देर से वॉकिंग पे है और बिल्कुल मस्त सीढ़ियाँ उतर कर आए हैं, तो ये सही चल रहा है। तो गाइज़ मैंने इन वाले एयरफोन से अभी भी कॉल ली है, लाइक ज़बरदस्ती मैंने जो अपने टीम मेंबर को कॉल की है टेस्ट करने के लिए कि जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो कैसी काम करती है। बट मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप लोग रोड पे चल रहे हो ना तो फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इनसे अगर आप कॉल्स लेते हो तो। साथ के साथ ये है कि इसका प्रोटेक्शन रहती है, गिर जाए तो बिल्कुल ठीक है और यहाँ से मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है, तो ठीक है, यूज़फुल बिल्कुल है। तो गाइज फ़ोन तो प्री बुक हो गया है, तो मैंने रियलमी लिंक ऐप खोली थी, उसके अंदर जो है मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से ऑलरेडी जो है कैमरा कनेक्टेड है और मैं इसको बड़े में भी देख सकता हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में सब कुछ दिख रहा है और बिल्कुल रियल टाइम है। मैं अगर कंट्रोल करना चाहूँ कि इसका मतलब लगा लो इसका थोड़ा सा 360 डिग्री घूम सकता है, नहीं तो मैं इसके कंट्रोल के थ्रू यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ। और तो और मैं यहाँ पर इनको कॉल भी कर सकता हूँ, जो है उधर वो बंदा सुन सकता है, तो ठीक है यार, यूज़फुल चीज़ तो है ही और फुल HD में सब कुछ दिख रहा है। गाइज मैंने अपनी रियलमी लिंक ऐप खोली अभी अभी और मैंने देखा है कि मेरा रियलमी का स्मार्ट प्लग अभी जो है ऑन है। और अगर लगा लो मैं इसको स्केड्यूल करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी यूज़ में ले सकता हूँ कि सुबह 5 बजे मेरा अगर स्मार्ट प्लग में फ़ोन चार्जिंग के लिए लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली चार्ज करना शुरू कर दे वो 5 बजे, तो ये मुझे बहुत ही सही चीज़ लगी। और अगर लगा लो जैसे अभी ऑन है दिखा रहा है और मैं इसको ऑफ़ भी कर सकता हूँ, अभी स्टूडियो में जो भी स्मार्ट प्लग पे कनेक्टेड है जैसे मेरी लाइट्स कनेक्टेड होंगी वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी, तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल चीज़ लगी है यार, बिल्कुल स्मार्ट तरीका है ये भी, तो इसका भी मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट लगा। तो गाइज़ यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है, मैं पूरे दिन से सारे रियलमी प्रोडक्ट्स टेस्ट कर ही रहा हूँ। आप लोग मुझे बताना है कि ये वीडियो का आइडिया कैसा था और मुझे कौन से नेक्स्ट ब्रांड के लिए चीज़ करना चाहिए, मैं आप लोग का फीडबैक जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऑब्वियसली अगर मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बेटर करता हुआ चला जाऊँगा, जिससे आप लोग को देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो पहली वीडियो थी तो आप लोग के फीडबैक के थ्रू और ज़्यादा इंप्रूव होगी। और यार ऑब्वियसली टेक बार पे आए हो तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग मुझसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अब आप लोग में से किसी भी 4 बंदों को मैं ये बहुत ही अच्छे अच्छे गिव अवेज देने वाला हूँ, जो सबसे पहला विनर होगा उसको सबसे बड़ी चीज मिलेगी, सेकंड वाले को उससे नीचे, थर्ड वाले को उससे नीचे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे ही जो भी इस वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया है वो आप लोग जीत सकते हो बहुत ईजिली, नीचे आपको ग्लीम की लिंक मिल जाएगी, वहां से एंटर कर लो। और मैं जो हूँ इंस्टाग्राम पे लाइव रिजल्ट्स निकालता हूँ तो आप लोग मेरे लाइव रिजल्ट्स भी देख सकते हो, IGTV पे अपलोडेड है इंस्टाग्राम पर। और ऑब्वियसली यार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ यार कितने सारे स्मार्ट पॉड्स ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया के अंदर, बिल्कुल मार्केट में आप खरीद सकते हो और ऑब्वियसली मुझे बड़ी खुशी होगी आप शेयर करोगे। तो खैर यहाँ पर सारी कहानी खत्म हो जाती है, अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।